गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी कैंडिडेट चंदू पाटिल का नाम डिक्लेयर हुआ है। असेंबली इलेक्शन में गुलबर्गा नॉर्थ से बीजेपी की जीत के लिए पार्टी वर्कर्स और पार्टी लीडर्स के बीच एक मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग में एमएलसी बीजी पाटिल, सिद्धाजी पाटिल, उमेश पाटिल, अशोक मानकर, शिवानंद पिश्ती और बीजेपी कॉरपोरेटर्स पार्टी वर्कर्स मौजूद थे। इस मौके पर गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कैंडिडेट चंदू पाटिल ने मीडिया से बात कर कहा, पार्टी वर्कर्स की मेहनत से ही उनको टिकट मिली है, जिसके लिए वो सभी पार्टी वर्कर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। मजीद बताते हुए चंदू पाटिल ने कहा, सभी पार्टी वर्कर्स को एक संदेश और जिम्मेदारी दी गई है। इस बार असेंबली इलेक्शन में गुलबर्गा नॉर्थ से कांग्रेस को हटाकर बीजेपी का झंडा लहराना है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाली हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। आज हमारे उत्तर मत क्षेत्र का एक कार्यक्रम हम लोग रखे थे, वो कार्यक्रम को हमारे पिताजी बीजी पाटिल जी, हमारे नगर के अध्यक्ष सिद्धाजी पाटिल, हमारे प्रधान कार्यदर्शी उमेश पाटिल, हमारे मंडल के अध्यक्ष अशोक मानकर जी और हमारे नूतन डिप्टी मेयर शिवानंद पिस्ती और हमारे पूरे कॉरपोरेटर, आज हम लोग ने जो टिकट 3 दिन पहले डिक्लेयर हो गया था उसके वजह से एक मीटिंग बुलाए थे, जो मीटिंग बुला के हमारे पूरे कार्यकर्ता को आज हम लोग एक संदेश और उनको एक संकल्प दे दिए। आज से काउंटडाउन चालू हो गया है, हम लोग को काम करना है और सब लोगों को धन्यवाद बोल के, आपके बदौलत ये टिकट मिला है मेरे को और कोई कारण नहीं है, मेरे को जो टिकट मिला है बोल के मैं दिन रात आपके साथ काम कर रहा हूँ, आप लोग सर्वे में मेरा नाम बोले बोल के आपके वजह से मेरे को टिकट मिला है। तो हम सब लोग एक हो के कांग्रेस को निकाल के बाहर फेंकना है, आप सब एक हो के हम इस बार उत्तर मत क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट को जिता के भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएंगे।